हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वायनेट हेल्थ। दोस्तों, सुबह उठना, फ्रेश होना, नाश्ते की जगह एक प्रोटीन बार लेना और काम के लिए दरवाजे से बाहर भागना दिन की शुरुआत करने के सबसे बुरे तरीकों में से एक है। ऐसे में ये जानकारी आपके लिए बेहद ही फायदेमंद होगी, तो चलिए जानते हैं। नंबर एक, 15 से 20 मिनट का मेडिटेशन सेक्शन होता है। खुद को पहचाने और अपने मन से बात करने में यह समय व्यतीत जरूर करें। इससे आने वाले पूरे दिन के लिए आप खुद को मानसिक रूप से तैयार कर सकेंगे। आप मेडिटेशन में गहरी सांस लेने वाले व्यायाम को भी जोड़ सकते हैं। नंबर दो, एक गिलास पानी पीना जरूरी। दोस्तों, सेहतमंद बने रहने के लिए जरूरी है हाइड्रेट रहना। सुबह के समय कुछ भी खाने पीने से पहले आप दिन की शुरुआत एक गिलास पानी से करें। आप गुनगुना पानी भी ले सकते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सर्दियां शुरू हो चुकी हैं, ऐसे में गले को ठीक रखने के लिए आप गुनगुने पानी का सेवन करें। अपने पानी में आप आधा नींबू निचोड़कर या फिर खट्टे फलों के कुछ स्लाइस डाल दीजिए और इस तरह आप सुबह में एक फ्लेवर पानी का आनंद जरूर लें। नंबर तीन, एक कप चाय भी जरूरी। दोस्तों, एक कॉफी या चाय की प्याली दिन भर आपको एनर्जेटिक बनाए रखने में आपकी मदद करती है। साथ ही ये जल्दी जागने की वजह से होने वाली इरिटेशन को कम करके आपको अच्छा महसूस कराती है। अगर आप चाय या कॉफी के शौकीन नहीं हैं, तो इसके लिए आप ग्रीन टी का सेवन करें, इससे भी आपको फायदा ही होगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलूंगी एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।